आज की वीडियो में क्या बात होने वाली है वो तो आप थंबनेल और वीडियो के टाइटल पर भी देख सकते हो। तो चलो फिर शुरू करते हैं। इस एपिसोड का उद्घाटन ही एक जंप स्केयर से होता है और सामने होता है एक स्किबिडी टॉयलेट जिसकी लेफ्ट आंख में एक वेल्व लगा रहता है। ये वेल्व टॉयलेट एक्चुअली वेल्व के लिए एक रेफरेंस है जो कि स्टोरी में ज्यादा कुछ एड ऑन नहीं करता, और अगर एड ऑन करता भी है तो वो स्टोरी के लिए इम्पोर्टेंट नहीं है। जिसके बाद हमारा मिनी टाइटन अपने पंचेस और मॉडिफाइड स्पाइकी प्लंजर से इस वेल्व टॉयलेट को बुरी तरह मारता है। एंड बाय द वे, इस यूनिवर्स में प्लंजर कैमरामैन जैसा कोई करेक्टर एग्जिस्ट नहीं करता, उसे मिनी टाइटन कहते हैं। इस कैमरामैन का साइज भले ही नॉर्मल कैमरामैन जितना हो, लेकिन इसका जिगरा किसी टाइटन जितना है। दैट्स व्हाई ये मिनी टाइटन है। प्लंजर कैमरामैन बोलकर इसकी बेइज्जती मत करो यार। चलो अब जल्दी से कमेंट में डब्लू मिनी टाइटन टाइप करो, फिर एपिसोड में आगे बढ़ते हैं जहां मिनी टाइटन इस वेल्व टॉयलेट को मारता है। और वहीं नीचे जमीन पर हमें एक ह्यूमन स्केलेटन पड़ा मिलता है, जिसके बाद राइट साइड में डार्क स्पीकर मैन इजीली दो तीन टॉयलेट्स को ठिकाने लगाता है। इवन एक पैरासाइट टॉयलेट स्पीकर मैन को कंट्रोल करने की कोशिश भी करता है, लेकिन समय रहते स्पीकर मैन उस टॉयलेट को निकाल के उसे उसकी औकात दिखा देता है। और हमें नीचे पड़ा एक और कंकाल नजर आता है जिसने एक टी शर्ट पहनी होती है, और इस जगह ऐसे और भी बहुत सारे कंकाल है जिसका मतलब इस जगह पर पहले इंसानों का कब्जा था और टॉयलेट्स ने इन भी को मारा है। जिसके बाद हमें पीछे की तरफ एक और नजारा देखने को मिलता है। यहाँ पर बुलिंग चल रही है, ये भाई साहब आराम से चिल मार रहे हैं। इन जनाब को लगता है ये मेन करेक्टर है और यहाँ पता नहीं क्या चल रहा है। जिसके बाद हमारी ये टीम आगे बढ़ने लगती है और हर कमरे में अजीब अजीब टॉयलेट्स नजर आते हैं जिन्हें देखकर लगता है शायद इंसानों ने इन सबको एक्सपेरिमेंट करके बनाया होगा, लेकिन जब ये ज्यादा ताकतवर हो गए तो इन्होंने उन्हीं इंसानों को जान से मार दिया जिनके कंकाल हमें जमीन पर पड़े भी नजर आते हैं। इन कमरों में हम एक जलता हुआ टॉयलेट, बड़ी खोपड़ी वाला टॉयलेट, बर्जर्क स्केलेटन मीम वाला टॉयलेट देख सकते हैं, जिसके बाद एक कैमरामैन अगला दरवाजा खोल देता है जिसकी दूसरी तरफ एक बड़ा सा हॉल होता है जहां घुसते ही लेफ्ट साइड कोई कैमरामैन का सर फेंकता है और ऊपर होता है एक मॉडिफाइड म्यूटेंट टॉयलेट जो नीचे कूदते ही एक कैमरामैन का सर आसानी से तोड़ देता है और मिनी टाइटन की तरफ बढ़ने की कोशिश करता है, लेकिन पीछे से ये कैमरामैन इसको शूट कर देता है जिससे टॉयलेट पर ज्यादा कुछ असर तो नहीं होता लेकिन इसकी स्पीड थोड़ी कम जरूर हो जाती है। जिसके बाद मिनी टाइटन और डार्क स्पीकर मैन इसे मिलकर मार देते हैं, और तभी इस फैसिलिटी में इमरजेंसी अलार्म बजना शुरू हो जाता है और सभी कमरों के दरवाजे खुल जाते हैं। साथ ही हमें और मॉडिफाइड म्यूटेंट टॉयलेट भी नजर आते हैं। उसकी टीम मेन गेट बंद करते हुए सेफ्टी की तरफ भागी रही होती है कि हमें नजर आता है माइकल जैक्सन टॉयलेट। अब हम इस टॉयलेट को एमजे टॉयलेट बोले या ही टॉयलेट बोले वो आप मुझे कमेंट में बताना। फिलहाल यहाँ इन दोनों स्पीकर मैन को लगता है कि ये दोनों बच गए और अपना डांस करने लगते हैं, लेकिन तभी ये टॉयलेट गेट को तोड़ के आ जाता है और हमारी टीम जल्दी से एग्जिट की तरफ भागती है जहां डार्क स्पीकर मैन कैमरामैन से गेट बंद करने का रिमोट छीन लेता है और मिनी टाइटन उसे इंतजार करने का इशारा भी देता है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली दो कैमरामैन समय रहते बाहर नहीं आ पाते और डार्क स्पीकर मैन को गेट बंद करना पड़ता है, जिसकी वजह से हमारे मिनी टाइटन को गुस्सा आ जाता है और वो डार्क स्पीकर मैन को दो खींच के लगाता है, लेकिन तीसरे मुक्के तक वो खुद को संभाल लेता है क्योंकि अगर डार्क स्पीकर मैन वो बटन ना दबाता तो उन दोनों कैमरामैन के साथ साथ बाकी पूरी स्क्वाड भी मारी जाती और स्पीकर मैन ऐसा करके खुद भी दुखी है, इसलिए वो चुपचाप दो मुक्के खाने के बाद भी शांति से आगे बढ़ जाता है। खैर हमारा मिनी टाइटन तो है ही गुस्से में, टॉयलेट्स को बीच की उंगली दिखा के आगे बढ़ जाता है। ये वाला गेट काफी मजबूत है, काश पहले वाला भी होता। खैर हमारी टीम आगे बढ़ती है जिसमें अब सिर्फ पांच हीरोस बचे हैं, मिनी टाइटन, डार्क स्पीकर मैन और तीन कैमरामैन। आगे कॉरिडोर में एक रास्ता राइट को जा रहा है और एक सीधा। सीधे वाले रास्ते के लास्ट में एक येलोइश एरिया नजर आ रहा है, कहीं ये बैक रूम्स में तो नहीं जाने वाले। काश स्किबिडी टॉयलेट और बैक रूम्स का यूनिवर्स कनेक्ट हो जाए, मजा जाएगा। अगले एपिसोड में जायंट टीवी मैन की लाइव स्ट्रीमिंग खत्म हो जाती है और हम टाइटन कैमरा मैन को देखते हैं जो कि एक टॉयलेट की चटनी बना देता है, और फाइनली रीइन्फोर्समेंट स्क्वाड आ ही गई। आते ही टाइटन स्पीकर मैन को न्यू हैंड कैनन्स मिली जो कि पहले से ज्यादा पावरफुल नजर आ रही है, और टाइटन कैमरा मैन को मिला नया जेट पैक और साथ में पहले से ज्यादा बड़ी और पावरफुल शोल्डर कैनन्स। जिसके बाद टाइटन टीवी मैन टाइटन कैमरा मैन के डैमेज्ड कोर को थोड़ा बहुत सही कर देता है। टाइटन स्पीकर मैन
मैन बोलता है मेरे को भी चाहिए, बट ये दोनों बोले ना बाबू ना। फिर टाइटन टीवी मैन हो जाता है टेलीपोर्ट और ये दोनों उड़कर निकल पड़ते हैं, लेकिन कहाँ? वेल प्रोबेबली अपने बेस की तरफ, ताकि ये दोनों खुद को रिपेयर कर सके, क्योंकि अगली लड़ाई में टूटा हुआ हाथ नहीं चलेगा। फिर हमें नजर आती है बाकी की रीइन्फोर्समेंट टीम, जिनके पास तगड़े तगड़े वेपन्स आ चुके हैं और एक कैमरामैन आकर पीओवी कैमरामैन को जेटपैक भी पकड़ाता है, जिसके साथ हेडफोन, कैमरा लेंस और एक शॉटगन बिल्कुल फ्री। एंड बाय द वे, इसके कपड़े भी तो देखो, दिन भर दिन इस सीरीज में डिटेल्स बढ़ती जा रही है। ये टॉयलेट पेपर किस काम आने वाले हैं वो तो मुझे नहीं पता, लेकिन बैकग्राउंड में ये मेडिक कैमरामैन अपने मरे हुए साथियों को देखकर काफी उदास नजर आ रहा है। और फिर एपिसोड खत्म हो जाता है और हम ये सोचते रह जाते हैं कि आगे क्या होगा। जो भी होगा अगले एपिसोड में पता तो चल ही जाएगा ना। चलो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।